चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बालाघाट में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़, दो महिला नक्सलियों को मार गिराया, दोनों पर था 14-14 लाख रुपए का इनाम। 22 अप्रैल की सुबह तड़के 3 बजे बालाघाट पुलिस ने दलम में एरिया कमांडेंट और गार्ड रही दो बड़ी महिला नक्सलियों को मार गिराया है। दोनों ही महिला नक्सलियों पर 14-14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बीते साल भी पुलिस ने 6 नक्सलियों को मार गिराया था। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ से मिली जानकारी अनुसार 22 अप्रैल को तड़के 3 बजे गढ़ी के कदला के जंगल में हाकफोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। बहादुर जवानों ने दो महिला नक्सली सुनीता और सरिता को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। एसीएस सुनीता भोरम देव के एरिया कमांडेंट रही, वही वर्तमान में विस्तार दलम में काम कर रही थी। सरिता नक्सली कबीर की गार्ड रही थी। वह खटिया मोर्चा दलम में एसीएम भी रही थी। वह वर्तमान में विस्तार दलम में सक्रिय थी। आगे बताया कि उनके पास से बंदूक, कारतूस, बड़ी मात्रा में नक्सली असलाहा और खाने पीने की सामग्री बरामद हुई है। दोनों ही महिला नक्सलियों पर 14-14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटना के बाद जंगल में बालाघाट पुलिस ने तलाशी अभियान छेड़ दिया है। नक्सली मुठभेड़ में दो महिला नक्सलियों को मार गिराने की जानकारी के बाद घटना स्थल पर बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ हाकफोर्स सीओ घटना स्थल पर मौजूद है। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।